खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है, जहां जनपद के बैतालपुर नगर पंचायत में आज श्री राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा व झांकी निकाली गई, जिसमें नगर पंचायत के बच्चे, नौजवान, बच्चियों और महिलाओं ने शोभा यात्रा में शामिल होकर जय श्री राम के नारों के साथ पूरे बैतालपुर बाजार का भ्रमण किया। शोभा यात्रा बैतालपुर केन यूनियन के गेट से शुरू होकर पूरे बैतालपुर बाजार में भ्रमण कर केन यूनियन बैतालपुर के गेट पर इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। आज श्री राम नवमी के पवित्र अवसर पर प्रथम वर्ष शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से सुयश मणि, राहुल मणि, सूर्यप्रकाश मणि, तारकेश्वर जायसवाल, अनिरुद्ध सिंह, सुनील बर्नवाल, अजय सिंह, प्रदीप जायसवाल, प्रवीण कुमार दुबे, बेचन मणि, राजीव मणि, शक्ति नारायण मणि, अंकित मधेसिया, सूर्य कुमार गुप्ता, रामचंद्र मधेसिया, धर्मेंद्र गुप्ता, राजन यादव, राकेश यादव, गिरजेश गुप्ता, सिंटू उपाध्याय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज श्री रामनवमी के अवसर पर आयोजकों द्वारा निकाले गए इस शोभा यात्रा पर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उससे पहले इस कार्यक्रम की कुछ झलकियों को देखते हैं। राम का जन्मोत्सव का दिन है, उनके जन्मोत्सव की खुशी में हम लोगों ने एक ये छोटा सा आयोजन रैली के माध्यम से, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता है, धर्म हमारे हम किसी धर्म का वो नहीं कर रहे हैं, हम सारे धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे इष्ट हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये आयोजन एक हो जाए बैतालपुर में और हर साल इसको हम लोग करते रहेंगे। इसमें हमारे बड़े भैया हम लोग के राहुल मणि जी हैं, इनका सहयोग है, हम लोग के बड़े भाई गार्जियन श्री सुयश मणि जी हैं, इन सब लोग सबों के प्रेरणा से, इन सारे लोगों के सहयोग से इस आयोजन को हम लोग अमली जामा पहनाए। ये हमारे सिंह टेंट हाउस के अनिरुद्ध सिंह जी हैं, अंकित मधेसिया हैं, धर्मेंद्र जी हैं और यहाँ की तमाम सारी जनता का सहयोग है, सारे लोगों के सहयोग से इस आयोजन को हम लोग ले कर चल रहे हैं और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे एक अच्छा संदेश जाएगा। ये जो शोभा यात्रा निकली है रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हम सबके आदर्श हैं, आप समझ ही सकते हैं कि आज उनके लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। रामनवमी है, नवरात्र बीता है, उनके सम्मान में ये एक शोभा यात्रा यहाँ के व्यापारी बंधुओं, स्थानीय लोगों के द्वारा निकाली गई है ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा है उनका पूरे धरती पर, पूरे देश पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज निकलने के पीछे हम लोग का यही उद्देश्य है, इससे हम लोग सामाजिक भाईचारा, सामाजिक एकता, एक अनुशासन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से रामायण में पढ़ते वक्त आपको देखने को मिलता होगा कि कैकेयी क्या थी, वहीं उनकी जेठानी कौशल्या क्या थी, सुमित्रा जी क्या थी, हनुमान जी का क्या रोल था, रावण का वध हुआ क्यों हुआ, मतलब बुरा कार्य का बुरा नतीजा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक आदर्श हम लोगों के भगवान थे और उनके सम्मान में निकाला गया कि समाज में भी रामायण से, भगवान राम से लोग सीख लें और अच्छाई की तरफ बढ़ें, बुराई से दूर हों। ये शोभा यात्रा का आज का मतलब यही है। बाकी ये आयोजक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके सूर्यप्रकाश मणि जी हैं, अंकित मधेसिया जी हैं
और तमाम साथी जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब इसमें जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, धर्मेंद्र जी हैं, हमारे भाई राहुल जी हैं, प्रधानाचार्य जी, प्रदीप जायसवाल जी, अनुज सिंह जी, प्रेम जी, ये सभी लोग एक यात्रा निकाले हैं और ये बैतालपुर बाजार के लिए, आप समझ ही रहे हैं बैताल नगरी है और यहाँ के लोगों में राम दिल दिल में बसे हुए हैं। आज की यात्रा का मतलब यही है कि समाज का उत्थान हो, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नगर पंचायत में प्रथम वर्षीय आप शोभा यात्रा का आज कार्यक्रम आयोजित, इसमें आप बताएं। मेरा यही कहना है कि ये राम के जन्म उत्सव पे ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे बैतालू के छोटे भाई जितने भी जो ही संयोजक आयोजक हैं, अंकित मदेसिया जी हुए, चाहे सुविकास मणि त्रिपाठी जी हुए, चाहे अन्य जो भी हमारे सहयोगी हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रत्येक वर्ष इस तरह का जो है इसका पालन हो और राम के जन्म उत्सव पर यह चीज़ लागू हो, हम लोग भी सम्मिलित हों, यह हम लोग का सौभाग्य है। धन्यवाद।